हेलो फ्रेंड्स, हम टॉपिक कर रहे थे कि पार्टनरशिप, जो कि प्लस वन बिजनेस कॉमर्स का है, कॉमर्स की बिजनेस स्टडी बुक का है। हमने इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, आप सारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और अब हम डेफिनेशन कर रहे हैं। टू और मोर इंडिविजुअल्स मे फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय मेकिंग अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट दैट दे विल जॉइंटली अज्यूम फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कि मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है कि टू और मोर इंडिविजुअल्स, दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप बना लेते हैं रिटन और ओरल एग्रीमेंट, जो कि अज्यूम करता है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, मतलब बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। और इतनी सारी डेफिनेशन में आपको ज़रूरी नहीं कि सारी करनी है, आप कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हैं और हमारा जो पार्टनरशिप है उसका मतलब समझ सकते हैं। आगे हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स इन पार्टनरशिप, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स। पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स। द पर्सन बिकमिंग पार्टनर्स मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर्स कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एज दे आर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि इन्होंने क्या है कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होता है कि टू पर्सन एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। और जो पार्टनरशिप है वो तब होती है जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन कि मतलब दो और मोर पर्सन होने चाहिए, फिर ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। द पर्सन बिकमिंग पार्टनर, जो पर्सन है वो पार्टनर बन रहे हैं, जो वो कॉम्पिटेंट मतलब उनकी हाँ जरूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट में। और जो माइनर्स कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाते एज दे आर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आते। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, द पर्सन ज्वाइनिंग द पार्टनरशिप एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रनिंग द बिजनेस। जो पर्सन होते हैं वो पार्टनरशिप को ज्वाइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और बिजनेस को रन करते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। पार्टनरशिप एक्ट में बताया है कि रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप है जो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज होता है, ना कि भी उसके स्टेटस के थ्रू। द कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटन, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट इन प्रैक्टिस रिटन एग्रीमेंट इज मेड, मतलब रिटन एग्रीमेंट ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये हेल्प करता है सेटल द डिस्प्यूट्स, मतलब डिस्प्यूट्स को कोई भी झगड़े होते हैं उनको सेटल करने के लिए ये लाभदायक होता है, मतलब फ़ायदा होता है इसका। और आगे हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप करेंगे अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।